मोहारा से बागेश्वर धाम जा रही हूँ। मेरा नाम स्वीटी शर्मा है और ये बहुत आनंदमयी समय चल रहा है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें कांवड़ यात्रा लेके सभी लोग चलते हैं। इसका एक अपना ही एक आनंद और एक अपनी गरिमा है इसकी। और आज सभी सनातन धर्म वाले लेके चल रहे हैं और आज स्पेशली सभी सेना के लोगों को समर्पित की जा रही है ये कांवड़ यात्रा। आज हमारे बागेश्वर धाम मंदिर भोलेनाथ की द्वितीय कांवड़ यात्रा थी, जो कि हमारे एक विशेष, अभी हमने 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया है, उस उपलक्ष्य पर संपूर्ण भारतीय सेना को समर्पित थी, जो कि हमारे देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं और लगातार अनवरत रूप से हमारे राष्ट्र के पैरी बन करके हमारी सुरक्षा लगातार कर रहे हैं। ऐसे वीर सैनिकों के लिए हमने दूसरी कांवड़ यात्रा रखी थी, जिसमें सैनिक, पूर्व सैनिकगण एवं प्रशिक्षु, जो कि भविष्य में जिनको सेना में भर्ती होना है, वे छात्र शामिल हुए और यहाँ पे भोलेनाथ के दरबार में मोहरा शिवनाथ नदी से कांवड़ में जल ला करके शिव जी के मंदिर में बागेश्वर धाम में अर्पित किए हैं। और हमारी कामना यही है कि भारतीय सेना, जो कि बस विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, आगे बढ़े और सभी सैनिकों का कल्याण हो, उनके परिवार का सुख दुख में हम साथी रहें। और पंकज गुप्ता, बागेश्वर धाम सेवक। क्या कहें कि हमारा भारत देश आगे से आगे बढ़े और हमारे सैनिकों का कल्याण हो और कांवड़ में जल चढ़ाने के पश्चात आजादी की व्यवस्था से हमारे प्रहरी बनकर